डेड लॉक हो गए हो यानी कि फ्रोजन शोल्डर हो, उस समय पर हम कंधे की क्या मूवमेंट करेंगे और कैसे करेंगे आइए देख लीजिए। आप पेशेंट को जिसको ये दिक्कत है उसको कमर सीधी करके थोड़ा सा आगे की तरफ आपको बैठाना है और दोनों हाथों को जितना ऊपर की तरफ जा सकते हैं, गर्दन पे आ सकते हैं गर्दन पर, सिर के ऊपर आ सकते हैं सिर के ऊपर। इसके बाद में दोनों हाथों को आपने अंदर डालना है, ये आप देख रहे हैं जगह है यहाँ पर, ये अंदर रखना है इसको। और इसके बाद में आपने पुश करना है कि दोनों हाथ सीधे हो जाए, थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे फिशिंग को ताकि सपोर्ट मिलेगा। और फिर इसकी इसके बाद में दोनों हाथों को आपने ट्रैक्शन देना है, यानी कि दोनों हाथों को आप अंदर रखकर इस तरीके से ट्रैक्शन देंगे कि ये कंधे आपके खुल जाए, यानी कि ये आपने रखा और धीरे धीरे आप इनको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। 5 से 6 बार आप इसको अभ्यास करेंगे और जितना मैक्सिमम पीछे जा सकता है वहां पर 6 सेकंड का होल्ड करेंगे। इस तरीके से दोबारा देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दोनों हाथों को आपने छोड़ना है, दोनों कंधों को आगे की तरफ लेकर आना है, आगे मिलाना है पीछे लेके जाना है, आगे मिलाना है पीछे लेके जाना है, आगे मिलाना है पीछे लेके जाना है। आप ये देख रहे हैं कि कंधे की पूरी मूवमेंट इनकी हो रही है। फिर इसके बाद ये भी 5-6 बार करेंगे इस तरीके से। अब दोनों कंधों को आपने हाथों को कंधे पर रखना है, यहां से ऊपर लाना है, ये ऊपर की तरफ निकालना है और होल्ड करना है। ये भी 5-6 बार करेंगे, ऊपर जब लेके आते हैं तो ऊपर भी 6 सेकंड का कम से कम होल्ड करेंगे। इसके बाद कंधों को इस तरीके से आगे से पीछे की तरफ मूवमेंट करानी है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, आगे से पीछे की तरफ। जब कंधे जाम हो जाते हैं तो आगे से पीछे की तरफ नहीं करना, मतलब पीछे से आगे की तरफ नहीं करनी होती, हमें आगे से पीछे की तरफ ये मूवमेंट करानी है। ये भी 5-6 बार करानी है। इस अभ्यास से आप देखेंगे कंधों की मूवमेंट धीरे धीरे वापस आ जाएगी। तो जिनका कंधा जाम है, फ्रोजन है, उन लोगों के लिए ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये स्टेप करने और लास्ट में आपने रबिंग करनी है, ये कंधे को जॉइंट को रबिंग करनी है और रिलैक्स करना है। फिर वही मुखारुति जरूर कराना है, क्योंकि बिना मुखारुति के जो आपने एक्सरसाइज कराई है ये एसिड रिमूव होगा और बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें मुखारुति का सहारा लेना ही होगा। लास्ट में मुखारुति हमने करानी है।